लवली पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज स्पेशल गर्ल्स डे आउट है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम निधि दीदी, सारा दीदी और सेजल, और हम लोग इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और चले आएंगे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे, तो मैं वही व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक, मैंने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे है ब्लू जीन्स एंड वाइट स्नीकर्स एंड या। तो गाइस बताइए मैं कैसे लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए निधि दीदी तैयार हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग का है आज डे आउट, तो फिर हम लोग नीचे जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो बने रहेगा हमारे व्लॉग में। स्वीट लुक आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा लुक। मैंने मेकअप में आज कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है, वो भी बहुत न्यूट कलर की। एंड यहाँ पर ये भी तैयार हो रही हैं, यहाँ पर सब तैयार होता रहता है, कहीं ना कहीं जाया करता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नीचे पहुंच गए थे बट बाहर बहुत धूप है, तो मैंने सोचा मैं स्टॉल ले लेती हूँ क्योंकि मेरे इस गोरे गोरे चेहरे को धूप की नज़र ना लग जाए। सो गाइज हम लोग बाहर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सेजल एंड निधि दीदी एंड सारा दीदी सभी लोग, एंड इतना मज़ा आने वाला है आज, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हम सब निकल चुके हैं, अब प्लीज बताइएगा मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। चश्मा है टोटो, चश्मा चश्मा शो 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 शो। आ रहे हैं बाउंसर अंकल के पास साइन करने, क्योंकि ये जेल है यहाँ के, जो यू कैन सी गाइस, जिसके बिना प्रवेश निषेध है। प्रवेश गाइस, बाउंसर अंकल टकले हो गए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में कि बाउंसर अंकल टकले हो गए हैं, बट वो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसा हम उनके मुंह पे ज़रूर बोलेंगे। और मैं दिखाती हूँ, देखिए बाउंसर अंकल टकले हो गए हैं लेकिन बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं अंकल, लेकिन आप अच्छे लग रहे हैं। निकल चुके हैं और धूप का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चश्मा बहुत ज़रूरी हो गया था लगाना। और सब लोग अपना मुंह ढक गया क्योंकि सबको धूप लग रही है, मुझे भी लग रही है लेकिन चश्मे की वजह से मुझे पता नहीं चल रही है। और बहुत ये देखिए, ये है एसआर का बाहर का इलाका, जो कि मेरे व्लॉग्स में बहुत कम आप लोग को देखने को मिलता होगा क्योंकि मैं बाहर की व्लॉगिंग बहुत ही कम करती हूँ। सब कुछ अंदर अंदर का है, सब कुछ अंदर अंदर का है, सेजल कह रही है अंदर में तो मज़ा है, मतलब हॉस्टल के अंदर मज़ा है, बाहर सिर्फ हॉटनेस है, हम लोग हॉट, सूरज हॉट, हालांकि मेरे कैमरे में सूरज आ नहीं रहा है पर वो बहुत हॉट है। ओके दोनों लोग को आप लोग देख सकते हैं, जय और वीरू की जोड़ी, सॉरी वीरू नहीं, जय और वीरू की जोड़ी। और ये है एसआर की एंट्री, एक ग्लोब लगा हुआ है यहाँ पे एंड बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग बैठ चुके हैं ई रिक्शे पे, आप लोग देख सकती हैं, और कहीं मैं भड़ाक से नीचे न गिर जाऊं इस ब्लॉग के चक्कर में। देखिए आप लोग के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग एंटरटेन होते रहे। देखिए ई रिक्शे में चश्मा लगा के बैठी हुई हूँ और कोको कोला का स्टॉल भी लिया हुआ है, तो देखिए तो देखिए स्टॉल, आज आज अपना स्टॉल कह रही है क्योंकि जहाँ स्टॉल ही तो बोलते हैं, स्टॉल ही होता है, ये स्टॉल ही होता है। पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनी पे और मैं अपनी डेस्टिनी दिखाना चाहूँगी जहाँ हम लोग आए हैं एंजॉय करने। इतना सारा बस ट्रक सब जा रहा है यहाँ पे कि शायद आपको मेरी आवाज़ भी अच्छे से ना आ रही हो, बट यस अब अंदर चलते हैं एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ई रिक्शा वाले को पेमेंट कर रही हैं दीदी लोग, एंड ये है सेजल, मेरी प्यारी सेजल। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और बगल में कोई शादी वगैरह भी है, तो ये देखिए यूँ मैं आप लोग को मिरर में दिख भी रही हूँगी। ये देखिए यहाँ पे हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, निधि दीदी भी हैं और मेरे साथ है ये बायोटेक वाली, आप लोग देख सकते हैं। ये है मिस सारा सिन्हा जो कि आज की पार्टी थ्रो कर रही हैं क्योंकि इन्होंने टॉप किया है, तो प्लीज़ इन्हें कंग्रेट्स करिएगा, इन्होंने बायोटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सेवन्थ सेमेस्टर टॉप किया है। और पीछे देखिए हमारा 51 शक्तिपीठ है जो कि हमारा बहुत ही मान्य मंदिर है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। और ये है मिस सेजल वर्मा, ईसी डिपार्टमेंट, यहाँ पे है ये एंट्री, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
है। देखिए यहाँ का इंटीरियर ऐसा है और सब लोग बैठ रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ बैठने और ब्लॉग शूट करने। और आपको पता है गाइस, सारा दीदी को मिरर से करंट लगा हुआ है, वो मिरर में अपने आप को देख रही है। और पीछे मुझे भी देख लीजिए, मेरी भी ब्लॉगिंग चला कर रही है। सो आप लोग इनको ज़रूर कंग्रेचुलेशंस बोलिएगा, इन्होंने टॉप किया है। और उम्मीद करते हैं कि हम भी लोग अपने प्यारे प्यारे सीनियर्स के नक्शे कदम पे चलेंगे और एक दिन बहुत ही अच्छा अच्छे जूनियर्स बन के दिखाएंगे। और देख लीजिए हम लोगों ने कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई है। नहीं गाइज, मेरी तो आज लाइट लग रही होगी आपको, क्योंकि याद आ रही है मुझे मेरे दोस्तों की, मतलब दोस्तों की मतलब मेरा एक दोस्त तिवारी है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे आके गाने की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सेजल का फोटो शूट चल रहा है, इसने पूरा बाल खोल लिया है। और ये है निधि दीदी जो कि फोटो शूट कर रहा है सबका, और सारा दीदी भी, सब लोग फोटो में जुटे हुए हैं। और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं, फोटो क्लिक करवाने जा रही है। यहाँ पे बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ। अगर मैं इतना फन इंजॉय करते हुए अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ गाइस, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और प्लीज़ इतने में क्या जाता है, प्लीज़ कर दिया करिए गाइस। और हाँ, व्लॉग पूरा देखिएगा ज़रूर। कोल्ड ड्रिंक आ गई है, भैया ने कोल्ड ड्रिंक खिलाई है, आप लोग देख सकते हैं। और इस स्ट्रॉ को देखिए, और सारा दीदी को देखिए अकेले बैठ के पता नहीं क्या सोच रही है, यही सोच रही होंगी गाइस। ये देखिए, ये है कोल्ड ड्रिंक, खाना भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, तो अब व्लॉग वॉक छोड़ के पहले खा ही लेते हैं गाइस, बहुत टेस्टी है ये। और यहाँ पे देखिए इतना अच्छा इंटीरियर है, और सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। चीयर्स टू माय फॉलोवर्स। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इसे खाने, और सामने सेजल और सारा दीदी हैं, और यहाँ पे निधि दीदी हैं, और ये मैं और मेरी कोल्ड ड्रिंक, और निधि दीदी सर्व कर रही हैं हम सबको। तो इन सबका श्रेय जाता है सारा दीदी को, थैंक यू सारा दीदी, थैंक यू सो मच। एंड सेजल और मुझे तो बस खाना होता है, तो हम लोग कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो गाइस हम लोग की हवाई चालू है, आप लोग देख सकते हैं, सामने भी देख लीजिए, ओरिजिनल रहना चाहिए ना गाइस, मैं रियल में ही ऐसे हूँ क्लम्सी। शर्मा की चाय की बात हो रही है, और ये है शर्मा, शुक्ला सर क्या बोले, मेरी चाय, वैसे मैं भी चाय आ गया गाइस, दोबारा से आ गया। गाइस हम लोग खाते खाते डांस करते करते एंजॉय कर रहे हैं, और इन लोगों का गाइस खाना बंद नहीं हो रहा है। गाइस ये रोज आपके लिए, ओए ऐसे करो। आप लोग बताइए आप लोगों को कितना मजा आ रहा है, कोई बताएगा अभी। और हम लोग डांस भी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं गाना का। देखिए पीछे लॉन है, और यहाँ पे आज अभी डेकोरेशन नहीं हुआ है, बट आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है लुक। सो गाइस हम लोग यहाँ से करने वाले हैं एग्जिट, और निधि दीदी जा रही हैं टेंपल, और हम लोग जा रहे हैं दोबारा से कॉलेज, तो चलते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। बाय सेजल, यस चलते हैं गाइस। तो कुछ फैमिलीज भी आ रही हैं, और सारा दीदी और हम भी एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। शक्तिपीठ इसी मंदिर में, देखिए निधि दीदी और सेजल जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग दोबारा से लौट रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कॉलेज की तरफ।
बहुत मजा लगा ई रिक्शा में बैठ के और मेरा कोको कोला वाला स्टॉल। बोलिए हम लोगों ने बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं, फिर हम और हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे और हॉस्टल चले जाएंगे। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में और प्लीज बताया करिए, कमेंट क्या करिए, शेयर किया करिए कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है। ओके गाइस, सारा दीदी जा रही है हनुमान जी के मंदिर प्रसाद लेके, और जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी। जय हनुमान जी, आज राम राम नवमी का भी दिन है, तो जय श्री राम, जय हनुमान जी की। गाइस हम लोग आ चुके हैं दोबारा से कॉलेज के पास अपने, और अब मैं कराऊंगी थ्रेडिंग क्योंकि मुझे ऐसा अपना फेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद हम कॉलेज चले जाएंगे और ब्लॉग को एंड करेंगे। ओके गाइस, मैंने थ्रेडिंग भी करा ली है और अब हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। साथ में मेरे सारा दीदी भी हैं, और निधि दीदी और सेजल अभी भी मंदिर में ही हैं, आप लोग को बताना चाहती हूँ मैं। और हाँ गाइस, पीछे सारा दीदी भी आ रही हैं और ये इतनी सफ़ेद हैं, इतनी गोरी हैं, और ये टोटो हमेशा ऐसे ही बोलती है और हमें अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। ये गोरी है, बार बार बोलती है ऐसे इस तरीके से, ठीक है गोरे वो भगवान बनाए, मैं क्या करूँ। मैं दिखाती हूँ, अर्पित भी मिल गया है, ये देखिए गाइस, ये अर्पित, आओ भाई कुछ खिला उला दो भाई, कोई बात नहीं, पेपर है पढ़ने जा रहा होगा। हॉस्टल लौट चुके हैं आप देख सकते हैं, और इनको देखिए पता नहीं कौन है ऐसे बात कर रही हैं, और ये हमारा हॉस्टल। हम लोग आ गए हैं दोबारा से हॉस्टल में, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कमेंट करिए। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।